नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। सार्थक दिवाली अभियान के तहत आज सीहोर के ग्राम जमुनिया में दामिनी की आवाज नामक सामाजिक संस्था द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोपाल के अलावा कई शहरों में चल रहे इस एनजीओ के द्वारा आज सीहोर में भी अपनी संस्था को स्थापित कर सोनम सेन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दामिनी की आवाज संस्था का यह कार्यक्रम जमुनिया ग्राम की कन्या छात्रावास में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीहोर विधायक की पत्नी अरुणा सुदेश राय ने आकर सबसे पहले मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित करके एनजीओ की सभी कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता की तथा दामिनी की आवाज संस्था को हर प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके प्रति कार्य करने पर भोपाल से आई संस्था की प्रदेश अध्यक्ष अनिता आर्य को बधाई दी। दामिनी की आवाज सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष अनिता आर्य ने बताया कि सीहोर में उनके द्वारा संस्था की ब्रांच डाली गई है, जिसके तहत बच्चियों की रक्षा और सुरक्षा को लेकर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके द्वारा एक टीम गठित करके बच्चियों को होने वाले कार्यक्रम में आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। आज के कार्यक्रम में दामिनी की आवाज संस्था का शीर्षक घर घर उजाला घर घर रोशनी था, जिसमें सीहोर के अध्यक्ष सोनम सेन द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान आत्मरक्षा करने के गुण सिखाए जा रहे हैं, जिसमें छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति देखकर रंगारंग कार्यक्रम में कराटे मार्शल आर्ट के जोहर दिखाए। संस्था द्वारा घर घर उजाला घर घर रोशनी के अंतर्गत स्कूल में दिया और मिठाई वितरण का कार्य किया जाएगा। सीहोर से खालिद खान की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिता आर्य है, मैं दामिनी की आवाज़ सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मैं यहाँ पर सीहोर जिले में आई हुई हूँ, तो जमनिया तालाब करके यहाँ पे एक छात्रावास है जिसमें कुछ बच्चियाँ रहती हैं, तो वहाँ पे हमने एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी।
वो कार्यक्रम आयोजित किया। इसके साथ ही साथ हमने दामिनी की आवाज़ संस्था की यहाँ पे एक ब्रांच डाली है, जिसके तहत बच्चियों की रक्षा सुरक्षा को लेकर उनको मार्शल आर्ट जूडो कराटे की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें मैंने यहाँ पर एक टीम बनाई है, जिसमें जिला अध्यक्ष मैंने सोनम सेन जी को बनाया है और उनकी पूरी टीम रहेगी जो बच्चियों की रक्षा और सुरक्षा को लेकर जितने भी कार्यक्रम होंगे और जितनी भी महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं और शोषण हो रहा है उनके लिए ये यहाँ पर काम करेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोपाल में विगत 10 वर्षों से दामिनी की आवाज़ संस्था निरंतर इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट पर काम करती आ रही है। धन्यवाद। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।